चित्रकूट के आयुर्वेद व्यापारी ब्रजेश रावत के दो बच्चों की हत्या का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में ब्रजेश रावत द्वारा पुलिस पर यह आरोप लगाया गया है कि इस अपहरण में कई बड़े लोगों के नाम है और उन्होंने यह भी मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इधर इस हत्याकांड के विरोध में सतना में बंद रखा गया है और नागरिकों ने मौन जुलूस भी निकाला है। इस जुलूस में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रस्तुत कर हत्यारों को फांसी की सजा दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि तबादला उद्योग बंद कर आम जनता की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यही कहा जा सकता है कि इसमें सरकार और पुलिस की नाकामी सामने आई है और इससे पता चलता है कि सरकार बदलने के बाद अपराधी किस तरह से बैकऑफ होकर यह कार्य कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।